जा रहा है। असदुद्दीन जी, हम जहां बैठे हैं अभी वहां से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है बोरीवली पड़घा में, वो न्यूज में आया था कि वहां अल शाम करके कुछ तो भी आईसिस का एक अलग से उन्होंने अपार्ट फ्रॉम इंडिया एक खुद को घोषित कर दिया। ये कहां तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे क्या मैसेज जाएगा इंडिया में, जो लोग ऐसा नहीं मानते कि हर मुसलमान टेररिस्ट है, जो ये कहा जाता था वैसा, उसको भी भाईचारा के भाईचारा में उसका भी विश्वास है, सही मायने में जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, सर्वधर्म संभव है, पॉलिटिकल नहीं, सही मायने में उसके उसका यकीन है। लेकिन जब वो देखता है कि अल शाम को ये कहता है, जिहादी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, आप जिस इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं वैसा उसको उसके बाजू में आजू बाजू में उसके पड़ोस में नहीं दिखता। नहीं नहीं, आपकी बात सही है, जो भी टेररिज्म की बात करता है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। टेररिज्म सवाल ही पैदा नहीं होता, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए। मगर हमारा सवाल बीजेपी से है, उन्होंने भोपाल से किसको टिकट दिया था? उन्होंने भोपाल से उसको टिकट दिया था जिस पर यूएपीए का टेररिज्म के केस चल रहा था। उन्होंने उसको एमपी बनाया, जो एमपी बनने के बाद हेमंत करकरे को कितने गालियां दी, वो जो इसी मुंबई की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दिया, जिसके बच्चे यतीम हो गए, मगर बीजेपी उस पर कॉम्प्रोमाइज कर गई। तो ये बिल्कुल बात सही है, ये अल शाम हो कौन, इनको कानून उनको देखना चाहिए। आप से अगर नाइंसाफी हो रही है तो नाइंसाफी का मतलब यह नहीं कि आप वॉयलेंस की तरफ जाएंगे, वो तो आसान रास्ता है। हम जो रास्ते पे चल रहे हैं वो बड़ा मुश्किल रास्ता है, उसमें लड़ने की जरूरत है, सबर की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। हां, जेल को जाना पड़े जाइए, मरना पड़ा मरिए, मगर ये टेररिज्म के ऊपर जो अगर कोई आ जाता है कि इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, हम इसका कंडेम करते हैं, चाहे कोई भी टेररिज्म करो, किसी भी समाज का हो, किसी समुदाय का हो, इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब बेंगलुरु में रामेश्वरम होटल पर वो बम ब्लास्ट हुआ, मैं हैदराबाद की रामेश्वरम होटल में गया। किस लिए गया? कि उनको बोलने के लिए कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं, चाहे कोई करा नहीं करा मुझे नहीं मालूम, वो तो वक्त बताएगा, मगर इसके ऊपर तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, इस पर तो सवाल ही पता नहीं होता। मगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये चाहिए कि इसको देखें, ये जो ब्लैक शीप है इनको आप लोग रोकें, और ये पॉलिटिकल वैक्यूम मत पैदा होने दीजिए। एमआईएम पार्टी को आप गाली दीजिए, मगर वो पॉलिटिकल वैक्यूम को तो फिल करिए ना आप। आप पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट करके क्या करना चाहते हैं ये उनको बताना पड़ेगा। हमें आपसे बहुत ज़्यादा मीन्स नॉट ओनली मुस्लिम युवाओं को, इन जनरल आपके पास वो सब है जो एक लीडर में होना चाहिए। आप कब तक खुद को सिर्फ मुस्लिमों का नेता ही मान के चलते रहेंगे? आप सिर्फ ऐसा क्यों कहते हैं कि मस्जिदों को आबाद करो, आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि स्कूलों को आबाद करो या अच्छी शिक्षा जहाँ मिलती है उसको आबाद करो? नहीं, संदीप साहब, आप जो नाइंसाफी कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैं और इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो हम ही पूछे, और उन क्वेश्चन ज्यादातर एजुकेशन के ऊपर था, और सिर्फ एक समुदाय के ऊपर नहीं था। इम्तियाज जलील तो हर चीज पर बोलते थे, इतना बोलते थे कि मेरे को डर होता था कि भाई ये क्या क्या बोल देगा, मगर बोले बराबर। तो नहीं, माशाल्लाह से बहुत बोले इम्तियाज, और उसका फायदा यह हुआ कि आप लोग ट्रेनिंग करके भी जाए अपने फील्ड से, उनको जर्नलिस्ट थे। तो संदीप साहब, आप भी मेरे साथ आ जाओ, मेरे गुनाह धुल जाएंगे। आप क्यों अपने आप को दूर कर रहे हैं? आप भी मेरे समय मर, आपकी बात सही है कि हम यकीनन, हम जैसा मैडम को मैंने कहा था, मेरा विजन, हमारा विजन क्या है कि भाई कमजोर जो है हमारी आंखों में मजबूत है, हम कमजोर को ताकतवर देखना चाहते। अब रहा सवाल कि मैंने क्यों कहा मस्जिदों को आबाद करो, भाई मस्जिद को आबाद करने का हुक्म मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलमानों की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद को आबाद करके तुम स्कूल को छोड़ दो, और स्कूल के ताल्लुक से मैं इम्तियाज जलील साहब ही पूरे देश को बताए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को क्लास 9 से शुरू किया, जबकि पूरा देश जानता है कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट मुसलमानों में दलित के बाद अपर प्राइमरी से शुरू होता, क्लास 4 और 5 से। मोदी सरकार ने 9 क्लास से कर दिया, और मौलाना आजाद फाउंडेशन बंद कर दिया, जिसके जरिए माइनॉरिटी मुसलमान ने माइनॉरिटी बच्चे पीएचडी करते, उन्होंने बजट को 40% कट कर दिया, हम ही उसको बोले हैं। तो ये ऐसा मत समझिए कि हम सिर्फ दूसरों की बात नहीं करते, बराबर बात करते। आप इम्तियाज की स्पीच सुनिए, जो रिजर्वेशन पर, मराठा रिजर्वेशन पर कई मरतबा बोले, धनगर समाज पर बोले, महाराष्ट्र के किसानों के बारे में बोले, हम भी बोलते हैं।
मगर हमारी भी बात तो कोई करे ना, कोई तो हमारी बात करे भाई। कम से कम आप हमको नमक समझो, कम से कम अगर आटा नहीं समझते नमक तो समझो, वो भी नहीं समझते, मगर कोई बात ही नहीं करना चाहते। आप देख लीजिए, आप 5 साल का रिकॉर्ड निकालिए महाराष्ट्र के, जितने 48 लोकसभा के एमपीज है, कितनों ने बात की मुसलमानों पे? बात करना चाहिए ना, समाज का हिस्सा है ये, नहीं बात करेंगे। वो बोलेंगे नहीं 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 बात नहीं, वोट मिल जाएगा। अब चुनाव आएगा तो मेरे को इम्तियाज को बोलते हैं कैंडिडेट मत खड़ा कर, ए कैंडिडेट मत खड़े, क्यों नहीं खड़ा करना कैंडिडेट, तुम बातें नहीं करते, तुम बोलते नहीं। असदुद्दीन जी, क्या भविष्य में ऐसा देखा जा